आनंद सुन हो बड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे, सुने सची बाणी संत साजन भए सरसे, पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। आनद सुन हो वडभागी हो। इत्थे सतगुरु जी ने नन्ने ते टिप्पी नहीं लिखी, इसलिए आपां आनंद ही पढ़ना है। आनंद एक वचन है, आनंद बहु वचन है। सो इस वास्ते टिप्पी ना लिखी होण तों आपां ने इस दा पाठ आनंद ही करना है। आम ही ये गलती सुन नूं मिलदी है कि आनंद सुनो वडभागी हो आपां पढ़ जाने आ, सारे इउं बोली जांदे ने, पर जदों टिप्पी लिखी नहीं तां आपणे कोलों बोलणी भी नहीं। आनंद सुनो हो वडभागी हो। सतगुरु सच्चे पातशाह ने काव रचना विच पिंगल मुताबक मात्रा दा भी ख्याल रखे है। इउं किते कन्ना लाउणा जां ना लगाउणा, टिप्पी लगाउणी जां ना लगाउणी, इह सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी अपनी मौज है। जिस तरह लग मात्र सतगुरु जी ने उचारण कीती है, उस तरह पढ़ना ये साडा फर्ज बन आउंदा है। इस तरह जो पंगती अगे आउंदी है, संत साजन भए सरसे, सरसे तो भाव है आनंद दे सहत, रस दे सहत, स रसे रस आनंद सहत, पाठ एदा सरसे ही होवेगा, सरसे नहीं करना, चाल मुताबक सरसे ही पाठ है। संत साजन भए सरसे, जदों सतगुरां दी सच्ची बाणी सुनी, सारे दुख सारे रोग सारे संताप उतर गए, ते संत सज्जन रस दे सहत आनंद दे सहत हो गए। ये आनंद की जुगती पूरियां गुरां तो उन्होंने जानी है। इउं भाई इस पंक्ति का भाव है, किसी प्रकार के होर वहम विच जां खिच धू के कीते अर्थां दे पिछे गुरु के सिख ने नहीं लगना। धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहिब की उचारण की ये पावन बाणी आनंद साहिब, ये पाठ संगतां ने सरवण किया है। सो अगे साध संगत जी सद बाणी आरंभ हो रही है रामकली राग विच। धन सतगुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी, गोइंदवाल साहिब सतगुरां दे दर्शन दीदार, सतगुरां दे अस्थानां दे दर्शन दीदारियां लई गए ने। जिस गोइंदवाल साहब विखे आप जी ने बचपन का समा हंडाया है, अपने नाना सतगुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी की गोद का आनंद माणिया है। उम्र छोटी ही सी जदों सतगुरु अमरदास साहब जी ज्योति जोत समाए, और गुरता की दात धन सतगुरु रामदास साहिब जी ने बख्शिश की सी। श्री गुरु रामदास साहिब जी ने सतगुरु अमरदास जी के बचना मुख रखद्या हो नवा नगर वसाया, जिसका नाम आप जी ने गुरु का चक रखिया, ते पंचम पातशाह जी ने उस गुरु के चक नू श्री गुरु रामदास जी का वसाया होया होण करके रामदासपुर का नाम दिता। वसदी सघन अपार अनूप रामदासपुर, ते उस रामदासपुर दे विच ही आप जी ने उस अमृत सरोवर की संपूर्णता करवाई, जिस की आरंभता सतगुरु अमरदास जी के हुक्म नाल श्री गुरु रामदास जी ने कीती सी। और उस सरोवर दे विच ही सचखंड श्री हरिमंदर साहिब सुशोभित कीते। उस सरोवर का नाम रख्या है अमृतसर। ते हुण जदों गुरु के प्यारे गुरु की नगरी जाते, गुरु का चक जां रामदासपुर नाम तो घट ही लेंदे सन, प्रचलित सी कि अमृतसर दे इशनान नूं जाना है। इउं शहर का नाम भी अमृतसर उस सरोवर के नाम तो ही प्रसिद्ध होया। इउं जदों चौथे पातशाह जी गुरता प्राप्त होण तो ते सतगुरु अमरदास जी दे ज्योति जोत समाउण उपरंत, सतगुरां दे हुक्म मुताबक ही चौथे पातशाह इस अस्थान ते आ गए सी जिथे आप जी ने यह अमृतसर नगर वसाया है। तां परिवार भी आप जी दा नाल ही इत्थे आया। समा आया जदों सतगुरु रामदास साहब जी ज्योति जोत समाए,
और गुरता की दात सतगुरु अर्जन देव साहिब जी ने बख्शिश की। गोइंदवाल साहब विखे जाके ही चौथे पातशाह जी भी ज्योति जोत समाए सन। तो फिर समय मुताबक बाद विच फिर जदों सतगुरु अर्जन देव जी गोइंदवाल साहब विखे गए, चुबारा साहिब बौली साहिब सारियां थावां दे दर्शन दीदार कीते, जिथे सतगुरु अमरदास साहिब जी का देहुरा है, भाव जिथे आप जी दे पवित्र शरीर का संस्कार किया गया, उस जगह पर बैठ के सतगुरु अमरदास जी दे अंश बंश कोलों श्री गुरु अमरदास जी दे ज्योति जोत समाउण वक्त का जिहड़ा उपदेश सी, जिहड़ा हाल सी, वह आप जी ने पुछिया। तो सतगुरु अमरदास साहिब जी दे पड़पोतरे बाबा सुंदर जी ने वो सारी वार्ता सतगुरु जी ने सुनाई। श्री गुरु अमरदास साहिब जी दे दो साहिबजादे वड्डे बाबा मोहन जी, छोटे बाबा मोहरी जी, तो बाबा मोहरी जी दे पुत्र आनंद जी होए, जिन्हां प्रथाए आनंद साहब उच्चारण किया आप जी ने ज्ञानी जी पासों विस्थार नाल सुने है। तो आनंद जी दे सपुत्र अगे सुंदर जी होए ने। बाबा सुंदर जी भी महान अध्यात्मिक अवस्था वाले सन, गुरु घर दे प्रेमी सन, पूर्ण तौर पर श्रद्धा रखण वाले सन। उन्होंने धन सतगुरु अमरदास साहब जी का वो उपदेश जो सतगुरु जी ने ज्योति जोत समाउण वेले बख्शिश किया, ते ओ ज्योति जोत समाउण दी सारी जिहड़ी वार्ता सी ओ सतगुरु अर्जन देव साहिब जी नूं सरवण कराई। ते सतगुरु अर्जन देव साहिब जी ने बाबा सुंदर जी दे उचारण कीते हुए उन्हां पावन बचना नूं गुरबाणी रूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सत्कारयोग अस्थान दिता, तां कि गुरु की सिक्ख्या नूं संगतां सदा ही याद रख सकण, सदा ही चेते रखण। ये रामकली राग विच उचारण कीती सद, सद काव रचना का एक बड़ा उत्तम नमूना होया करता है। सो ये सद बाणी जो है ये सतगुरु महाराज जी ने सतगुरु अमरदास जी दे ज्योति जोत समाउण की जिहड़ी वार्ता ते उपदेश है वह इत्थे सुभायमान कीती है, जिस विच ये दर्शाया है कि अकाल पुरख वाहिगुरु दे हुक्म दे मुताबक ही शरीर संसार विच आया, परमात्मा दे हुक्म मुताबक उस परमात्मा विच जा के अभेद हो जाना है। ये यह भी सतगुरु का उपदेश है, अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्बाण जीयो, सतगुर भाणै आपणै बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोव सी सो मैं मूल ना पाया। साडे पिछों कोई रोवे ना, कोई ताहां कूका ना मारे, ये सानू भौंदा नहीं, चंगा नहीं लगता। भाई साडे पिछों गुरबाणी का कीर्तन करना, ये मर्यादा केवल तो केवल सतगुरां ने अपने प्रथाए ही नहीं कही, बल्कि अपने प्रथाए कह के सानू सारियां नू यह मर्यादा बख्शिश की है कि प्राणी दे चलाना कर जाण उपरंत विरलाप नहीं करना, रोना पिटना ताहां कूका नहीं मारनिया, बल्कि गुरबाणी पढ़नी है, बाणी का कीर्तन करना है, बाणी का आसरा लेना है। ये मर्यादा जो सतगुरां ने बधी है सद विचों सानू इस दे दर्शन दीदारे हुंदे ने। और ये गुरमत दी गुरु खालसा पंथ की मर्यादा है, जदों कोई प्राणी अकाल चलाना कर जावे उस दे निमित जो सहज पाठ जां अखंड पाठ साहिब कराया जाता है, तां नाल अखंड पाठ साहिब दे भोग पैण तों इस सद बाणी का पाठ करना, ये पंथ की मर्यादा चली आ रही है। आओ अमृत रूप बाणी सरवण करिए जी।